काशी नगरी में सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है यह पुराणों में। और जब प्रलय काल में भोले बाबा इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं, कभी इसका सही नहीं होता है, ऐसी नगरी यह है। और आपने देखा यहाँ सभी लोग अपनी अपनी बारियों का इंतज़ार करते हैं, और ऐसी दिव्य नगरी यह है। हम अभी मणिकर्णिका घाट में हैं। मणिकर्णिका घाट जो कि काशी विश्वनाथ में है, और मणिकर्णिका घाट का अपने आप में विशेष महत्व है कि यहाँ जो मोक्षदायिनी नगरी है, और दूर दूर से लोग यहाँ अपने जो इस संसार से वैकुंठवासी हो जाते हैं, और वैकुंठवासी होने के बाद उनको यहाँ मणिकर्णिका घाट में और दिव्य परमात्मा की प्राप्ति होने के लिए जो है दिव्य लोकों को वो लोग जाते हैं जो मणिकर्णिका घाट में आते हैं, और इनका अंतिम संस्कार यहाँ होता है। बड़ा दिव्य मनोहर यहाँ दृश्य है मणिकर्णिका घाट का, और बड़ा मोक्ष की नगरी है, इसको मोक्षदायिनी कहते हैं नगरी को। मोक्षदायिनी नगरी जब यहाँ उनको आखिरी उनके जो बच्चे होते हैं और उनके लोक की प्राप्ति के लिए, उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए जो है यहाँ अनेक चिताएं नंबर से रहती हैं। सब लोग अपने अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं कि हमारे पितृ मोक्ष और अपने मोक्षदायिनी नगरी को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, और अपने अपने नंबर के लिए यहाँ खड़े रहते हैं। और यह नगरी को मोक्षदायिनी नगरी कहते हैं काशी, और यहाँ के दिव्य दर्शन बड़ा ही दिव्य।
गंगा मैया की जय। ओम नारायण ईश्वर ओम माधव हस्तप्रख्यातम गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार करिए पूर्वक बोलिए विशेश्वरम माधवम कुंडीम दंडपाणिं श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण तुम नारायण नारायण हमें नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण इष्टो नारायण। बोल साचे दरबार के बाके बिहारी लाल के आज के आनंद के हर हर